हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आहूजा DPA 770 के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर 75 वाट का एम्पलीफायर है, छोटा सा एम्पलीफायर है आहूजा की तरफ से। यहाँ पर मैं आपको सारे डिटेल्स देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा एक छोटे से वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा बहुत जो है लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आहूजा DPA 770 का यहाँ पर प्राइस, जो कि इसका मॉडल है DPA 770, इसका प्राइस बताऊंगा। एंड यहाँ पर आपका जो है इस एम्पलीफायर में आपको जो है क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कितने वाट का स्पीकर आप लगा सकते हैं, कितना पीस लगा सकते हैं, मतलब कितना स्पीकर लगा सकते हैं और कितने वाट का स्पीकर आप लगा सकते हैं, और कनेक्शन आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इसमें हॉर्न कितना चलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका हॉर्न जो यहाँ पर आहूजा का आता है या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, तो यहाँ पर बेसिक मैं आहूजा का ही बताऊँगा। तो यहाँ पर आहूजा का 60 वाट का यूनिट या फिर 40 वाट का यूनिट या फिर 50 वाट का जो भी यूनिट आप चलाना चाहते हैं, वो आप कितना चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आहूजा DPA 770 के बारे में। यहाँ पर पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊँगा पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा इसका यहाँ पर इसमें कितना लोड डालेंगे, जैसे कि हॉर्न और यहाँ पर स्पीकर्स, एंड वही लास्ट में मैं आपको बताने वाला इसका प्राइस। तो पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन से। यहाँ पर इसका मॉडल जो है ये आपका DPA 770 इसका मॉडल है, और यहाँ पर हम पावर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका पावर जो है ये आपका मिल जाता है 100 वाट मैक्सिमम, जो कि है 75 वाट का एम्पलीफायर RMS में। एंड वहीं आपको मिल जाता है इसका इनपुट चैनल, जो कि यहाँ पर आप फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं, चार माइक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आप ऑक्स भी इसमें लगा सकते हैं पीछे की तरफ, जो कि आप पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। एंड वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीकर आउटपुट, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन 4 ओम 8 ओम 16 ओम एंड 100 वोल्ट का यहाँ पर लाइन आउटपुट आपको मिल जाता है स्पीकर के लिए या फिर हॉर्न के लिए। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं डिजिटल प्लेयर आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पर MP3 प्लेयर विथ USB रीडर आप लगा सकते हैं इसमें। एंड यही हम बात करते हैं इसका पावर सप्लाई हमें कितना देना है, कितना करंट देना है, या फिर बैटरी से हम कितने वोल्ट का बैटरी से हम चलाएंगे। तो यहाँ पर आप करंट इसमें देते हैं तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा आप दीजिए, जैसे कि 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 240 से ज़्यादा आपको नहीं देना है, 240 से आप वोल्ट से आपका कम ही इसमें आपको जो है पावर सप्लाई देना है, जो कि 220 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर आप बैटरी से भी चला सकते हैं, जो कि कार बैटरी या फिर ट्रैक्टर बैटरी या फिर कोई भी जो है 12 वोल्ट का बैटरी होना चाहिए, वहाँ पर आप एक बैटरी से आप इसको इजीली वर्क करा सकते हैं, जो कि आप पीछे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का यहाँ पर DC आपको मिल जाएगा कनेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पर आप प्लस और माइनस डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट करके आप इजीली इस एम्पलीफायर को वर्क करा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एम्पलीफायर का वेट लगभग 9 किलो 600 ग्राम एम्पलीफायर का वेट है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर लोड कैलकुलेशन से, जैसे कि स्पीकर्स एंड हॉर्न कितना हम चलाएंगे। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ स्पीकर से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं स्पीकर्स। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आप 12 इंची 10 इंची जो भी स्पीकर है वो यहाँ पर मायने नहीं रखता है, आपका यहाँ पर स्पीकर का वाटेज मायने रखता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर छोटे वाटेज का स्पीकर है तो आपका 10 इंची या फिर 12 इंची में ही होगा। यहाँ पर आप 100 वाट मैक्सिमम स्पीकर लगा सकते हैं। एक स्पीकर आप मान लीजिए अगर 16 ओम का स्पीकर है आपके पास, तो 100 वाट का एक स्पीकर है 16 ओम का, तो यहाँ पर आपको लगाना है कॉमन और 16 ओम में आपको कनेक्ट करना है, जो कि कॉमन में ब्लैक लगेगा, 16 ओम में आपका रेड कलर का वायर लगेगा। सिंपली आपको स्पीकर्स में कनेक्ट कर देना है, सिंपली यहाँ पर आप इसको ईजिली वर्क करा सकते हैं और चला सकते हैं। और वहीं हम बात करते हो अगर आप ये इस एम्पलीफायर को लेते हैं तो यहाँ पर आपको हॉर्न के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कि मंदिर के लिए या फिर कुछ ऑटो में लगाने के लिए, जैसे कुछ प्रचार वचार जो भी है वो सब छोटे कामों के लिए इस एम्पलीफायर को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि 2 हॉर्न या फिर 4 हॉर्न आप काफ़ी अच्छे से इसमें चला सकते हैं।
बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चला सकते हैं 50 वाट का दो स्पीकर, 16 ओम का रहेगा। तो यहाँ पर पैरेलल करेंगे तो 8 ओम्स में आप इसको लगा सकते हैं, कॉमन 8 ओम में आपको लगाना पड़ेगा अगर 50-50 वाट का स्पीकर है आपके पास, 16 ओम का स्पीकर है तो कॉमन और 8 ओम्स में आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हॉर्न से रिलेटेड। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले बताने चाहूँगा कि यहाँ पर हॉर्न आप चलाते कैसे हैं, मतलब कि कितने वाट का आपके पास हॉर्न है और उसका जो वाटेज है वो आप कितने में सेट करके रखे हैं वो आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस एम्पलीफायर में आप 10 हॉर्न भी चला सकते हैं, या फिर 5, या फिर 4, या फिर 2 हॉर्न भी आप इसमें चला सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको कैसे चलाना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आपको छोटा सा इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर अहूजा का AU40XT जो कि 40 वाट का ड्राइवर यूनिट है, जो कि 100 वोल्ट लाइन में लगता है, कॉमन और 100 वोल्ट में यहाँ पर आपको लगाना है, या फिर आप 2 लगाएं या फिर 10 लगाएं, या आपको जो है कनेक्शन कर लेना है प्लस और माइनस में। यहाँ पर अहूजा का AU40XT यहाँ पर ड्राइवर यूनिट एक आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, जो कि 10 वाट से लेकर के 40 वाट यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है। 5 वाट का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा 10 वाट तक ही आप जाइएगा अगर आप इसको कम करते हैं तो। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 वाट से लेकर 40 वाट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको 10 वाट में सेट करके रखते हैं तो आपका जो है ड्राइवर यूनिट आपका 10 वाट का बन जाता है। और वहीं हम बात करें तो इस एम्पलीफायर में आप 10 वाट में सेलेक्ट करके आप इसको 10 हॉर्न चला सकते हैं। वहीं अगर आप 20 वाट में सेलेक्ट करते हैं तो वहीं आप 5 हॉर्न चला सकते हैं, और वहीं अगर आप 30 वाट में अगर इसको चलाते हैं तो आप यहाँ पर 3 या फिर 4 हॉर्न चला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही अच्छा रहेगा, 4 आप ना चलाएं तो बेस्ट रहेगा। 3 हॉर्न आप काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं अगर आप 30 वाट में चलाते हैं तो। और वहीं हम बात करें अगर आप इसको फुल चलाते हैं, जैसे कि 40 वाट का, 40 वाट में अगर आप इसको सेलेक्ट करके अगर आप चलाते हैं हॉर्न ड्राइवर को, जो कि ड्राइवर यूनिट है, इसको अगर आप 40 वाट में चलाते हैं तो यहाँ पर आप 3 या फिर 2 यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 वाट का है तो आप उसको फुल 50 वाट में 2 ड्राइवर यूनिट आप चला सकते हैं। कोई भी आपके पास है, जैसे कि 40 वाट या फिर 50 वाट, 60 वाट, जो भी है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके जितना आपको वाटेज बन रहा है लगभग 100 वाट के मैक्सिमम तक आपको लोड कैलकुलेशन करके आपको चलाना है, या आपका 10 हो या फिर 5 हो या फिर 3 हो या फिर 2 हो, जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पर। तो सिंपली आपको ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 2 चलाते हैं तो आप 50-50 वाट के 50-50 वाट में सेलेक्ट करके आप 2 चला सकते हैं। तो आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो ही चुका है, लेकिन दोस्तों मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश जो है इस वीडियो में किया हूँ। तो चलिए इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर अहूजा DPS 770 का प्राइस आपको पड़ जाता है लगभग 7900 अप्रोक्स प्राइस जो है मार्केट में अगर आप लेते हैं तो लगभग 7000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। और यहाँ पर छोटे मतलब मंदिर और मस्जिद के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने सारा चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश करी, तो वीडियो के नीचे जाइए और कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अभी तक नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब करिए, लाल रंग का बटन है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डीजे से रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल में। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।